फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MCO 05। एंड ये चैप्टर भी यू नो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिकॉज थ्योरी के साथ साथ में न्यूमेरिकल्स भी है। एंड मे बी यू नो स्टूडेंट्स को काफी टेंशन भी हो रही होगी कि भाई एग्जाम्स आ रहे हैं, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है MCO 05 में, जो यूजली एग्जाम्स में स्ट्राइक करते हैं एवरी ईयर। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस को कम से कम रिवाइज तो करना ही करना है, बिकॉज इसके बिना आप एग्जाम्स में बिल्कुल भी मत जाइए। बिकॉज एक मतलब मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, इनको आप स्किप नहीं कर सकते, राइट? एंड ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ है मेरे पास, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू शेयर द होल पीडीएफ ऑन यूट्यूब। तो आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं एंड वहां से आप बाय कर सकते हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं MCO 05 एंड देखते हैं व्हाट आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस दैट यूजुअली स्ट्राइक इन एवरी टर्म एंड एग्जामिनेशन। फाइन, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पे यहां पे लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, बेसिकली इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आता है और ये मतलब बहुत ही करंट टॉपिक है, इसके बारे में काफी लोग मतलब ज्यादा जानकारी नहीं है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कलेक्ट एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन, बिकॉज बहुत ही हॉट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देन आफ्टर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ये भी नया कॉन्सेप्ट है, अभी अभी यू नो ये सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, तो इसको भी यू नो इग्नू हमेशा टारगेट करता है, either short notes में या फिर long questions में भी आ सकता है। Okay, the next one is performance budgeting. Now, ये सारे questions वो questions हैं जो हर साल आते हैं, हर term end exam में आते हैं। So, performance budgeting, zero based budgeting, marginal costing, standard costing, activity based costing, you know different types of costing. And one thing more friends, ये जितने भी टॉपिक में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दिखा रहा हूं, यू नो यहां से अभी आपको सेपरेट वीडियोस मिलने वाले हैं फॉर ईच टॉपिक, सो दैट यू नो आपकी प्रिपरेशन, आपका जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल आते हैं। ओके, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स, इसके ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट नोट दोनों टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स, नाउ ये तो यू नो ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी इसके जो इसको मैंने आप लोगों को समझाया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स, एंड इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है बिकॉज हर साल आता है एग्जाम्स में। देन ब्रेक इवन एनालिसिस, उसका ग्रामेटिकल दैट इज ग्राफिकल मेथड, देन वी हैव मैथमेटिकल मेथड, हाउ यू विल यूज ब्रेक इवन एनालिसिस पे न्यूमेरिकल भी आता है, तो वो हम लोग यू नो लेटर ऑन हम लोग उसको कवर करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। देन बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, फाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आगे देखते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप बिना पढ़े एग्जाम्स में नहीं जा सकते। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, देन कॉस्ट शीट में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट इन द लेटर वीडियोस। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियोस, ये दोनों के ऊपर यू नो आपको हमेशा न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी, तो ये दोनों ही मिलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स यू नो इंपॉर्टेंस, अकाउंटिंग रेशियोस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोस, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है। तो जो बच्चे यू नो मैथमेटिक्स में थोड़े से वीक हैं, प्रिपेयर द थ्योरी पेपर्स, राइट? देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो क्वेश्चन यू नो हर साल एग्जाम्स में आता है, डिफरेंट व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, what are the different types of financial statements, their objects, their advantages, their disadvantages, like that. बहुत कॉमन टॉपिक है। ओके,
देन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत पहले वीडियो बनाया था एंड इसको भी आपको जरूर देखना चाहिए। डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग के हम लोग क्लास 11 12 में पढ़ते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे। देन व्हाट इज अकाउंटिंग, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इट्स फंक्शंस, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तो ये चीज आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं जो हम लोगों ने 11 12 में कभी पढ़ा था। एंड देन रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम्स में आते हैं, राइट। नाउ वन बाई वन हम लोग ये सारे टॉपिक्स को वीडियोस में कवर करेंगे, राइट।